गुड मॉर्निंग, आप लोगों का क्लास 10th में दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें आप सबसे पहले पढ़िएगा कि एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़िए एसिड्स के बारे में। एसिड्स होते क्या है? Acids are those substances, which give hydrogen ion in aqueous solution. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो aqueous solution में डिजॉल्व करने पर अगर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? एसिड करते हैं। जैसे आपने ले लिया HCl ले लिया। HCl को आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस, ठीक है। जब भी आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में डिजॉल्व करने के जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जब भी आपका एक्वस सॉल्यूशन बना तो बनने के बाद ये तुरंत अपने आयन्स में टूट जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन आयन प्लस ये हो गया क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। तीसरा है, दूसरा है आपका H2SO4। इसका भी आप एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने आयन्स में टूट जाएंगे और ये अपना सल्फेट आयन में टूट जाएंगे। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड भी ले लीजिए। नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 तो कहने का मतलब एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो वे सभी सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 के बाद आपका हो गया ऑक्जेनिक एसिड, एनहाइड्रस ऑक्जेनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के बाद आपका हो गया कार्बोनिक एसिड, ये सभी क्या है? ये सभी एसिड हैं और जिनको वाटर